हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर थ्री सेकंड लेसन ऑफ यूनिट नंबर थ्री, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसको हम एफसीबीसी भी बोलते हैं। इसका यूनिट नंबर वन हमने कम्प्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैवंट वॉच देन यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट आउट। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जजिंग डिस्टेंस के बारे में। ओके, ये आपके थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिकल होगी तो इंस्ट्रक्टर जो वहाँ होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं ओके कि भाई 100 मीटर पे इंसान की पहचान कैसी होती है, 200 मीटर पे कैसी होती है, 300 मीटर पे कैसी होती है, इस तरीके से ओके। तो आज के इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि भाई जजिंग डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, डिस्टेंस जज करना क्यों ज़रूरी है। एन इंडिविजुअल शुड बी एबल टू जज डिस्टेंस एक्यूरेटली विद हिज सो ही कैन नो वेन टू ओपन फायर। उसको ये पता हो कि हमें फायर कब करना है। सपोज़ आपकी राइफ़ल की रेंज है 400 मीटर ओके, जो नॉर्मल राइफल है, इंचास राइफल, और दुश्मन है 500 मीटर पे ओके, तो क्या आप इफ़ेक्टिव फायर डाल सकते हो दुश्मन पे? नहीं डाल सकते ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग लगभग आप जो एनिमी है वो आपकी फायरिंग रेंज में है भी या नहीं है। नो विच वेपन टू बी यूज, अगर वो असोल्ट राइफल से ज़्यादा दूर है स्टिल आपको अटैक करना है, देन यू विल यूज़ LMG बिकॉज LMG की रेंज ज़्यादा होती है। तो आपको इससे ये पता लगता है कि कौन सा वेपन यूज़ करना है। कैन इंडिकेट टारगेट टू द अदर मैन इन हिज सेक्शन, दूसरे सेक्शन अपने सेक्शन की किसी दूसरे बंदे को टारगेट दिखाना, तो हम बोल सकते हैं 250 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, बरगद के किनारे, पेड़ के किनारे ओके, इस तरीके से, या झाड़ी के सहारे, समथिंग लाइक दैट। तो आप इंडिकेट कर सकते हो कि 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 250 मीटर, 150 मीटर, समथिंग लाइक दैट ओके। पास बैक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन व्हेन एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर, अगर आप कहीं पे ऑब्जर्वर बैठे हो तो आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो यूनिट में या असोल्ट पार्टी को कि दुश्मन 100 मीटर दूर है, अभी 200 मीटर है, 500 मीटर है, नज़दीक आ रहा है, दूर जा रहा है, जो कुछ। आई होप अभी आपको पता लग गया होगा एक ओवरव्यू कि हमें जनरली जजिंग डिस्टेंस पढ़ना क्यों पड़ता है ओके। ये भी आपके में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी लर्न जजिंग डिस्टेंस। उसके बाद देखते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर, इकाई का मेथड बोलते हैं इसको, देर आफ्टर दिखाई का मेथड, देन सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाल्विंग और ब्रैकेटिंग, एक एक करके देखते हैं। यूनिट ऑफ मेजर में देखो कैसे होता है, दिस मेथड इज टर्म्ड एज 100 yard मेथड, इसको क्या और बोलते हैं, 100 yard मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं 100 मीटर दूर का एक कोई भी चीज़ पहचान लेते हैं कि लगभग ये चीज़ 100 मीटर दूर है। सपोज़ इस पिक्चर के हेल्प से समझते हैं, इधर तक हमें लग रहा है कि 100 मीटर दूर है, हमें लग रहा है इतना ये आगे है, इतना और आगे, इतना और आगे, तो लगभग लगभग ये कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। इसी को बोलते हैं इकाई का तरीका, कि आप एक इकाई ले लेते हो 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, और उसके हिसाब से देखते हो उसके कंपैरिजन में कि ये इससे कितनी गुना दूर है ओके। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ अपीयरेंस या दिखाई का तरीका, इकाई का तरीका सॉरी। अब देखते हैं दिखाई का तरीका, 100 मीटर में पूरी की पूरी डिटेल दिखती है ओके, 200 मीटर में आपको बस ये दिखता है कि हाँ वहाँ पे कोई है ओके, आप कलर देख सकते हो, वर्दी देख सकते हो और इक्विपमेंट क्या कैरी किया उसने। 300 मीटर पे क्या है, आपको शरीर तो दिखेगा, उसकी आउटलाइन दिखेगी, फेस का कलर भी दिख जाएगा ओके, लेकिन रिमेनिंग डिटेल जो होंगी वो थोड़ी थोड़ी ब्लर हो जाएंगी, इस तरीके से। देर आफ्टर सेक्शन एवरेज, सेक्शन एवरेज में क्या होता है, सपोज इस पिक्चर में आई थिंक सो थोड़ा सा मिस्टेक है, डोंट गो विद द पिक्चर। एक्चुअली होता क्या है सेक्शन एवरेज में, सपोज ये कोई बिल्डिंग है, 10 एक सेक्शन में कितने इंसान होते हैं, 10 बंदे होते हैं ओके, सब कोई उस बिल्डिंग को देखेगा ओके, क्या करेंगे, सब कोई उस बिल्डिंग को देखेगा, 10 के 10 या 5-7 जितने भी हम हैं ओके, लेकिन सबका एस्टीमेट कुछ थोड़ा अलग होगा। अगर कोई 100 मीटर बताएगा, कोई बताएगा नहीं मेरे हिसाब से 150 मीटर है, कोई बताएगा मेरे हिसाब से 300 मीटर है, कोई बताएगा भाई मेरे हिसाब से 120 170 मीटर है, तो उस सब का हम लेके उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज, जितनी जितनी रीडिंग सब ने दी है उनका सबका सम कर लेंगे, डिवाइड बाय जितने भी इंसान हम सेक्शन में हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन एवरेज। की रेंज का मेथड क्या होता है, देखो इफ़ द की रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन, डिस्टेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड इन रिलेशन टू द नॉन रेंज, दिस मेथड इज सेट टू बी की रेंज। देखो होता क्या है ना, सपोज आपको पता है भाई ए
मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे को पता है ये बरगद, ये जो पेड़ों का झुंड है, ये लगभग 70 से 75 मीटर दूर है। उसके बाद मेरे को पता है इससे सही 2 गुना दूर ये है। तो मैं अगर मेरे को ये हिस्सा पता है तो इससे 2 गुना ये है, तो 75 × 2 हो जाएगा, यानी वो लगभग 150 मीटर के आसपास होगा। इसको बोलते हैं की रेंज का मेथड। ओके, यानी आपको एक कोई भी, इफ़ द रेंज ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट इज नोन, किसी ऑब्जेक्ट की रेंज नोन है, आपको पता है, डिस्टेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड इन रिलेशन टू नोन रेंज, कि अगर आपको पता वो 75 मीटर है, तो भाई इससे लगभग लगभग आधा और ये है, तो ये लगभग हो गया 125 मीटर। अब इससे 2 गुना दूर दिख रही है मेरे को बिल्डिंग है, तो वो जाएंगी लगभग 150 मीटर दूर। तो इस तरीके से, यानी आपको एक यूनिट नोन है, उस हिसाब से आप अपना की रेंज का मेथड अप्लाई करते हो। देर आफ्टर हालविंग, हालविंग में क्या होता है, हाफ करना होता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड हाफ वे बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड टारगेट। सपोज ये ट्रक है सामने, इधर पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये क्या करेगा, आधा आधा जो डिस्टेंस है इसको एस्टिमेट कर लेगा कि भाई ये लगभग मेरे को 70 मीटर दिख रहा है, तो आधा ये है आधा ये आगे का, तो लगभग 140 से 150 मीटर दूर है ये ट्रक मेरे से। ओके भाई, ये मेरे को लगभग 100 मीटर दिख रहा है, तो ये ट्रक कितना हो जाएगा मेरे से, 200 मीटर दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हालविंग का मेथड। यानी जो टारगेट है और जो ऑब्जर्वर है, उसके कहीं से ना बीच का लाइन एस्टिमेट कर लेनी है हमें, बीच का जो डिस्टेंस है वो एस्टिमेट कर लेना और उसका 2 गुना कर देना है। ओके, ब्रैकेटिंग में क्या होता है, ब्रैकेटिंग में हम 2 रेंज लेते हैं। ओके, सपोज ये ऑब्जर्वर है, सामने ये हिल टॉप का एस्टिमेट लगाना, तो मैक्सिमम हो सकता है भाई ये 600 मीटर होगी, मिनिमम हो सकता है ये 400 मीटर होगी। दोनों को प्लस कर दो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम एंड डिवाइड बाय 2, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेटिंग के मेथड से हमारा एवरेज डिस्टेंस। ओके, तो ये सब था डिस्टेंस के बारे में। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है। सपोज वो ये भी पूछ सकता है हाउ डू यू मेजर द डिस्टेंस, और व्हाट आर द टेक्निक्स टू जज द डिस्टेंस, और या इनमें से कि ब्रैकेटिंग टेक्निक के बारे में बताइए, ओके हालविंग टेक्निक के बारे में बताइए, इकाई दिखाई के तरीके के बारे में बताइए। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि कोई भाई रात के अंधेरे में कौन सा मेथड सबसे सूटेबल होता है, तो होता है की रेंज का। की रेंज यानी एक डिस्टेंस हमें पता है, उसके हिसाब से देखते हैं हम कि भाई हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सामने वाला पेड़ लगभग 70 मीटर दूर है, और इस पेड़ से लगभग 3 गुना सामने मेरे को पहाड़ी का टॉप लगता है। ओके, तो आप क्या लगा लोगे कि पहाड़ी मेरे से लगभग लगभग 210 मीटर दूर है। ओके, अब देखते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चीज़ें दिखाई कैसे पड़ती है, कि हम अनु सॉरी चीज़ें नहीं, हम डिस्टेंस यानी दूरी का अनुमान कब ज़्यादा लगा लेते हैं और कब कम लगा लेते हैं। ओके, जब लाइट वीक हो, यानी सनराइज या सनसेट का टाइम हो, जब सूरज बिल्कुल ऑब्जर्वर की आँख के ऊपर हो। ओके, द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू सराउंडिंग, कि भाई बिल्कुल चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पहाड़ी पहाड़ और वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है। ओके, इस तरीके के इलाके में। ओके, लुकिंग थ्रू ए वैली और ए नैरो रे नैरो लेन, कि भाई आप किसी वैली में से देख रहे हो ऊपर की तरफ या कहीं की तरफ। ओके, या फिर लाइंग डाउन आप लेट के देख रहे हो, तो इन केसेस में क्या होगा, डिस्टेंस ओवर एस्टिमेटेड, यानी डिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देगा। सपोज वो 100 मीटर है, तो आपको 120 130 150 मीटर दिखाई देगा। ओके, डिस्टेंस कम कब दिखाई देता है, वन लाइट इज ब्राइट और सन इज शाइनिंग फ्रॉम द बिहाइंड, आपकी पीठ की तरफ से अगर सन शाइन कर रहा है और बिल्कुल ब्राइट है, तो आप डिस्टेंस कम आ सकते हो, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी, आपको लगेगा बिल्कुल पास में ही है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज लार्ज, ओके बहुत पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है और एक बहुत बरगद का पेड़ है पास में। ओके, तो आपको क्या लगेगा, ये बहुत नज़दीक है, लेकिन उस केस में भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कम आग लेते हैं, लेकिन हकीकत में होता थोड़ा ज़्यादा दूर है। देर आर सम डेड ग्राउंड बिटवीन ऑब्जर्वर, डेड ग्राउंड क्या होता है, सपोज ये ऑब्जर्वर का सरफेस है, इसके बीच में कोई इस तरीके का गड्ढा है, कोई पहाड़ी है, कोई वैली है, और सामने उसका टारगेट है, ये ऑब्जर्वर है, ये टारगेट है। तो अगर आप इधर से देखते हो, तो जब डेड ग्राउंड के थ्रू देखते हो आप, इधर से देखते हो, तो आपको अक्सर ऐसा लगता है काफ़ी नज़दीक है, लेकिन पास जाके पता लगता है कि वो काफ़ी दूर है,
क्योंकि डेड ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट इधर देख रहे हो, इतना स्पेस तो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डेड ग्राउंड है, इसको बोलते हैं डेड ग्राउंड। ओके, दबी हुई जमीन को। देर आफ्टर लुकिंग अपहिल, अपहिल यानी ऊपर की तरफ जब आप देखते हो। सो इन तरीकों में डिस्टेंस आपको अमूमन ज़्यादा दिखाई देता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी कमेंट है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट होना है कोई कई, क्योंकि कई बार मैं आपके कमेंट के आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इन माई टेलीग्राम चैनल इन बॉक्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।